गुड मॉर्निंग दोस्तों। समय यानी टाइम एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है। यह जितना देखने में सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन इसे बदला या रिपीट नहीं किया जा सकता। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और ऐसे व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा की है। अब समय यात्रा करने वाले लोगों पर बहुत सारे लोग इस वजह से विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उन लोगों के पास पुख्ता सबूत नहीं होते हैं जिस वजह से उन लोगों पर विश्वास किया जाए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बहुत से अनोखे ऐसे सबूत हैं जो उस घटना को सच साबित करने के लिए काफी हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1951 जून के महीने में रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है। वो अचानक चौराहे पर कैसे आया किसी को कुछ नहीं पता। उस व्यक्ति ने बहुत पुराने समय के फैशन वाले कपड़े पहने थे और उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो वहाँ अपनी मौजूदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो टाइम स्क्वायर पर खड़ी गाड़ियों को और इधर उधर चमचमाती रोशनियों को इस तरीके से देख रहा था कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा, और वहाँ खड़े लोग भी उस व्यक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच आते नहीं देखा था। जैसे ही वो व्यक्ति सड़क के किनारे आगे बढ़ने के लिए अपना कदम रखा तो सामने से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उससे टक्कर मार देती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और थोड़ी देर के बाद उसकी मौत हो जाती है। जब उस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें बरामद हुई, जैसे 5 सेंट का एक बियर टोकन। जिस तरीके से इंडिया के अंदर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरीके से 1 डॉलर के अंदर 100 सेंट होते हैं, और घोड़ा गाड़ी को सफाई करने का एक बिल जिसपे लिखा था लाइब्रेरी स्टबल लिंगजॉन टाउन एवेन्यू 1951 के किसी भी बुक में ये एड्रेस मौजूद नहीं था। लगभग 70 डॉलर के पुराने करेंसी के नोट और सिक्के भी उन व्यक्ति के पास से बरामद हुए। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड भी मिला जिसपे लिखा था डॉक्टर रडोल्फ फैंस और एड्रेस 5th Avenue न्यूयॉर्क का था। साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था, और उस लेटर पर सन 1876 के स्टंप भी लगी हुई थी। रडोल्फ फैंस के पास से मिली सभी चीज़ों में एक बात खास थी कि वो सभी चीज़ें पुरानी होने के बावजूद भी बिल्कुल नई हालात में थी। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन हेबॉट को दिया गया। कैप्टन हेबॉट जब बिजनेस कार्ड पर दिए गए एड्रेस पर पहुंचे तो वहां पे सिर्फ एक ऑफिस मिला जहां के लोग रडोल्फ फैंस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन हेबॉट ने उस समय के सभी टेलीफोन और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उसे इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कुछ अता पता नहीं चला। कई दिन बीत जाने के बावजूद रडोल्फ फैंस नाम की किसी भी व्यक्ति की किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट यानी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई थी। किसी भी सुराग के अभाव में कैप्टन हेबॉट ने अपनी तहकीकात को जारी रखा और एक दिन 1939 की एक एड्रेस बुक में रडोल्फ फैंस जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला, और उस एड्रेस पर जाकर ये पता चला कि अब उस एड्रेस पर कोई और रहता है जिन्होंने रडोल्फ फैंस जूनियर नाम के व्यक्ति से उस प्रॉपर्टी को खरीद ली थी। जैसे तैसे रडोल्फ फैंस जूनियर की बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन हेबॉट के हाथ लगी। बैंक से पता चला कि अब रडोल्फ फैंस जूनियर नाम के उस व्यक्ति के अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी अभी भी जिंदा है और वो फ्लोरिडा में रहती है। कैप्टन हेबॉट ने उस पते पर जाकर रडोल्फ फैंस के बारे में कुछ पता किया। वहाँ रडोल्फ फैंस जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन हेबॉट और उसके साथियों के पैरों तले ज़मीन हिल गई। उनकी पत्नी ने यह बताया कि रडोल्फ फैंस जूनियर के पिता थे। वो 29 वर्ष की आयु में कहीं लापता हो गए। असल में बात यह हुई थी कि एक दिन वो अपने घर से कहीं सैर करने के लिए निकले और आज तक वो वापस घर नहीं लौटे।
ये सुनकर कैप्टन हबर्ट और उनके साथी के होश उड़ गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कैप्टन हबर्ट ने अपनी जिज्ञासा के चलते वो 1876 के सभी गुमशुदा रिपोर्ट को फिर से एक बार दोहराना शुरू किया और एक दिन उसके हाथ लगी रेडोल्फेंस नाम की एक व्यक्ति की एक मिसिंग रिपोर्ट जो 1876 में दर्ज की गई थी। उस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा की हुलिया के बारे में बताया गया था और वो हुलिया 1951 में मरने वाले रेडोल्फेंस से मिलता जुलता था। कैप्टन हबर्ट के सभी जुटाए गए सबूतों से ये तो पता चल गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला आदमी और 1951 में कार एक्सीडेंट में मरने वाला आदमी दोनों एक ही था, लेकिन अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर 1876 में गायब हुआ इंसान 1951 में कैसे आ सकता है। इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद ये टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी, शायद उस व्यक्ति ने समय यात्रा की हो। अगर मैं अपनी राय बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये 1876 में गुमशुदा इंसान 1951 में आ सकता है। आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशन वाले वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूँगा। धन्यवाद।